आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। देश में जारी कोरोना संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए एक डराने वाली चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में चेताया गया है कि दूसरी लहर के भारत में जैसे हालात बने थे, जल्द ही वैसे हालात फिर से बनते नजर आ रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2.64 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 335 मरीज की मौत हुई है। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के हल्के लक्षण और कम गंभीर बताया जा रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने भारत के लिए डराने वाली चेतावनी जारी की। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इकोनॉमी सिचुएशन एंड प्रोडक्शन 2022 रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि जैसा कहर भारत की दूसरी लहर ने झेला था, वैसा ही कहर फिर से झेलना पड़ सकता है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक बड़ी संदिग्ध बैग मिला था जिसमें बड़ी मात्रा में आईईडी था। फिलहाल उसे एक बड़े गड्ढे में ब्लास्ट कर निष्क्रिय कर दिया गया है। बैग में बम की सूचना के बाद मौके पर पहुंची एनएसजी की टीम ने दिल्ली पुलिस को इस संबंध में हिंट दिया था। इसके बाद मौके पर जेसीबी बुलाकर एक बड़ा गड्ढा खोदा गया। इसी गड्ढे में आईईडी को ब्लास्ट कराया गया। वहीं मौके पर मौजूद स्पेशल सेल की टीम मामले में एक्टिव हो गई है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आखिर किसने बैग में आईडी रखा और इसे कहां से लाया गया है और कहां लेकर जाना था? दिल्ली पुलिस के मुताबिक शुक्रवार की सुबह 10:20 पर एक पीसी कॉल मिली थी। बताया गया था कि गाजीपुर इलाके में एक संदिग्ध बैग है जिसमें बम है। सूचना के बाद इलाके की पुलिस और स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद एनएसजी की टीम और बम डिस्पोजल की टीम भी पहुंची। वही इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, आईजी ने पहले ही दिल्ली पुलिस को बता दिया था, उन्हें चेतावनी दी थी, उसके बाद भी यह घटना होना, सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक है यह? देखिए, इनपुट आते रहते हैं और जो सुरक्षा एजेंसी है उनका काम ही इस तरह का है कि वो अपने तमाम इनपुट जो राज्य होती है उनकी पुलिस को देते रहते हैं। अगर मैं इस आज की घटना की बात करूं तो इस घटना में सबसे बड़ी बात तो यह है कि 10:30 के लगभग जो पीसीआर होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में पीसीआर है ऐसी दिल्ली में पीसीआर चलती है, उस पीसीआर पे एक कॉल आई थी और पीसीआर पे कॉल ये आई थी कि एक बड़ा धमाका हो सकता है और गाजीपुर जो कि गाजीपुर की फूल मंडी है, फूल मंडी पर एक आईडी ब्लास्ट हो सकता है और साथ ही साथ वहाँ पर धमाके के साथ साथ दिल्ली के कई और जगह और जम्मू और पंजाब में भी धमाके की बात की गई थी, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सक्रिय हो गई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इसके तत्काल प्रभाव से एनएसजी को बताया, एनआई को बताया, ये दोनों एजेंसियां वहां पहुंची हैं। 11 बजे इन एजेंसी को सूचना दी गई थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस सक्रिय हो गई थी। दिल्ली के कमिश्नर जो राकेश अस्थाना है उनका कहना था कि लगातार सक्रियता बढ़ती जा रही थी और जब टीम वहाँ पहुँची है, चूँकि 3 किलो का आईडी था जो विस्फोटक था और उसका वजन लगभग 3 किलो था और उसको निष्क्रिय करने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसको तत्काल प्रभाव से जेसीबी बुलाकर गड्ढा करवाया गया, उसको वहाँ पर ब्लास्ट करा के उसको निष्क्रिय किया गया। तो बड़ा धमाका यहाँ पर किया गया और पर साथ ही साथ जिस तरह से लोगों को खाली करा दिया गया था, लोगों की जान बच गई और साथ ही साथ एक एहतियात भी बरती जा रही है। कई अन्य जगहों पर भी इस तरह की जो स्क्वाड है दिल्ली पुलिस की वो काम कर रही है और देख रही है कई अन्य भी जगह पर इस तरह के विस्फोट प्लान नहीं किए गए हैं कि किए गए हैं, इस तरह की लगातार यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। गौरव, फिलहाल इसको निष्क्रिय तो कर दिया गया है गड्ढे में ले जाकर, लेकिन यह कहाँ से आया और कहाँ ले जाया जा रहा था, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पा रही है? अभी तो फिलहाल एक जो विस्फोटक एक्ट होता है उसके
मुताबिक अभी मुकदमा दर्ज किया गया है, लगातार जांच चल रही है, NIB जांच चल रही है, NSD जांच कर रही है, और दिल्ली पुलिस जो है आपके जो कमिश्नर राकेश थाना उन्होंने भी कहा है हम जांच कर रहे हैं कि कहां से आया, इसको कौन रखे गया है। जो गाजीपुर की फूल मंडी है बहुत ही आबादी वाला क्षेत्र है, वहां पर अक्सर भीड़ रहती है, वहां पर सब जो फूल मंडी है वहां पर एक बैग में ये जो विस्फोटक था ये पाया गया था। अभी कौन इसको रखे गया है, किस समय रखे गया है, फिलहाल अभी जांच का विषय, इसकी जांच चल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। राज्यों में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो रही हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने पिछले दिनों BJP व समाजवादी में शामिल हो गए थे, उन्होंने भाजपा का दामन छोड़कर समाजवादी का दामन थामा था, उनके साथ धर्म सिंह सैनी और 6 विधायकों ने भी सपा का दामन थामा था। आज लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सपाइयों BJP और बसपा पर जमकर निशाना साधा। दूसरी तरफ आज भारतीय जनता पार्टी UP के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव जुड़ रहे हैं। गौरव, कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की बातें सच होती नजर आ रही हैं। धीरे धीरे और भी नेता समाजवादी में जुड़ेंगे, क्या विचार है आपका? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जब पहले बात कर रहे थे जब सरकार में थे उत्तर प्रदेश की, तब भी वो लगातार सरकार पर हमलावर होते रहते थे और उनकी जो मांगे होती थी उन मांगों को लगातार वो मुखर करते रहते। उनका कहना था कि सरकार हमारे मांगे नहीं मान रही, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अलग हो गए। हालांकि कैबिनेट मंत्री थे, उनका बड़ा गद्दा था, पर उसके बावजूद उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लिया और सरकार छोड़ दी और अपना पद छोड़ दिया। उसके से लगातार वो सरकार के खिलाफ बोलते रहे। उसके बाद जब उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था, उन्होंने कहा था कई बड़े नाम भी हमारे साथ आ सकते हो, वैसा ही हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़ा नाम था, प्रदेश सरकार में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और बताया कि मैं विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहा था, हमारे लोगों की अनदेखी हो रही थी, चाहे नौजवान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो और चाहे वंचित वर्ग हो, उनका लगातार उनकी अनदेखी हुई थी, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि 14 तारीख को बड़ा धमाका करेंगे, और बड़ा धमाके के तहत उन्होंने कहा जो उन्होंने कहा था उसको उन्होंने निभाया है। और समाजवादी पार्टी में उन्होंने उनके साथ 7 और विधायक हैं, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है, जिसमें प्रदेश सरकार के एक और मंत्री थे वो धर्म सिंह सैनी, जो कि आयुष मंत्री थे प्रदेश सरकार में, उन्होंने भी अपना इस्तीफा देके आज स्वामी प्रसाद मौर्या के साथ आज उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली। इसके साथ साथ 5 और विधायक जो उन्होंने मौर्या के साथ सदस्यता ली है, तो बड़ा जो कयास लगाए जाते वो हुआ भी, समाजवादी पार्टी में बड़े तबके के लोग, बड़े नाम आज जुड़ चुके हैं। गौरव, जिन सीट कुछ सीटें पहले से जो सपा के नेताओं के लिए तय है और जिस तरह से भाजपा के नेता अब सपा में शामिल हुए हैं, क्या कुछ हलचल सपा कार्यकर्ताओं में देखने को मिली? हलचल तो होगी होगी, क्योंकि जिस तरह से लोग आए हैं और एक बड़ा वोट प्रतिशत आया है। मैं आपको बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, खासा वोट प्रतिशत उनका है, तो उस वोट प्रतिशत के हिसाब से हमेशा देखा जाता है कि जो वोट प्रतिशत आता है उसके नेता आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पुरानी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनमें खलबली सी रहती है कि अब हमारा टिकट ना काटे जाए, इनको लोगों को वरीयता दी जाएगी, और वरीयता देनी भी चाहिए क्योंकि चुनाव का समय है, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा पार्टी उस पर मोहर लगाएगी। और यहाँ पर जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य गए और साथ ही साथ जिस तरह से अखिलेश ने सभी लोगों के साथ ट्वीट भी किया था कि सबका समावेशी पार्टी में स्वागत है, अभिनंदन है और यहाँ पर आपको बाकायदा सम्मान दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर खलबली मचनी चाहिए पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं में। और साथ ही साथ जो नेता आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं उनको भी एक उम्मीद रही होगी और उम्मीद होगी कि हमको जल्दी यहाँ पर कोई मौका दिया जाएगा या टिकट दिया जाएगा, जिससे कि हम आने वाले भविष्य में अगर सरकार समाजवादी पार्टी की बनती है तो हमको बेहतर पद दिया जा सके। तो अखिलेश यादव किसको ज्यादा वरीयता देने के मूड में नजर आ रहे हैं इस प्रेस वार्ता के दौरान? अभी ये बात तो साफ है, आपको दुरुस्त करना चाहूंगा तसला, अभी ये बात साफ नहीं है, केवल यहाँ पर सदस्यता हुई है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ 7 विधायक और गए हैं, जिसमें एक पूर्व सरकार का एक मंत्री भी है धर्म सिंह सैनी। तो जो जितने भी नेता हैं सारे पिछड़े वर्ग से नेता आते हैं और पिछड़े वर्ग की वोट प्रतिशत अच्छा खासा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में,
उत्तर प्रदेश की जो आबादी हम देखें तो पिछड़ा वर्ग की खासा वोट प्रतिशत है, और वोट प्रतिशत के हिसाब से इन नेताओं का समाज पार्टी में जाना समाज पार्टी के लिए तो लाभ की बात है, खासतौर पर बीजेपी के नुकसान की बात है, पर कितने लोगों को टिकट देंगे, कितने लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा, ये फिलहाल अभी प्रश्न है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गौरव आपका। संभल विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत माडली समस्तपुर में स्वच्छ भारत मिशन योजना को पलीता लगाया जा रहा है, जहां सड़कों पर इतना पानी भरा है कि ग्रामीणों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आए दिन इन सड़कों पर हादसे होते रहते हैं, जबकि स्कूली बच्चे भी गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर है, जिसके बावजूद जिम्मेदारों ने अपनी आंखें मूंद रखी है, जबकि ग्रामीणों ने प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत करने के बावजूद भी उनके समस्याओं का निरास्तरण नहीं किया जा रहा है। अच्छा, जैसा अभी आप पानी में निकल कर आ रहे थे तो आप ये बताओ, इससे हर बार ऐसे निकलते हो या कुछ समय से? ऐसे निकल रहा है। कब से दिक्कत है आपको ये? ऐसे ही 10 साल से। 10 साल से दिक्कत है। हाँ। आपने कभी प्रधान से नहीं कहा, सचिव से इस बारे में? क्या मैं है कोई जब सुनता ही ना तो कहा करो। क्या कहते हैं? नहीं कहते हैं, जो बस की हो करो ना, तो हमारे बस की तो ना आनो, तुम्हारे बस की तो करो। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे काफी नाले जो है रोड पे पानी भरा है, गंदगी हो रही है, कीचड़ है, तो ये दिक्कत कब से हो रही है आपको? इसे हो गए 10 साल। पानी प्रधान कभी कुछ नहीं करवाता है। कभी नहीं कराता ना? आपने कभी प्रधान से सचिव से कहा है संबंध? क्या कहता है प्रधान? प्रधान कहता है जो तुमसे हो कर लो। अच्छा, रोड सही नहीं होगा ये? ना होगा, प्रधान ना करवाता। प्रधान कौन है आपका? जयचंद। जयचंद कहाँ के हैं? यहीं के हैं, इसी गाँव के। तो वहीं इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ संभल से मुबारक जुड़ रहे हैं। मुबारक, जिम्मेदारों का क्या कहना है इस पे? आपको बता दें, जनता संभल से समर्थन मांगनी पड़ता है, और इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और फिर गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं, और जो दूसरी तरफ अधिकारियों में बड़ी लापरवाही सामने आई है, कई बार प्रधानों से शिकायत कर चुके हैं और इस पर कोई भी ध्यान नहीं देते। तो वहीं लोगों में कैसी नाराजगी दिख रही है इस कृत्य को लेकर? काफी नाराजगी दिखाई दे रही है, और ग्राम में जो निकलते हैं रास्ते से होकर तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हो, और इसमें कितनी गंदगी है, और स्कूल के बच्चे यहाँ से होकर निकलते हैं और उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, पढ़ने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनके लिए, और अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, कई ग्राम पंचायतों का मामला सामने ऐसा आया है। तो वही स्वच्छ मिशन भारत को लेकर जिम्मेदारों ने अपनी आंखें मूंद रखी है, क्या बड़े अधिकारियों से कोई बात हो पाई है? अधिकारियों से कई बार बात करने की कोशिश करी है, और उस पर पल्ला झाड़ देते हैं अधिकारी, और एक तरफ चुनाव भी नजदीक है और नेताओं वोट मांगने जाते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते। तो वही इलेक्शन भी पास है, लोग इस बार इस कृत्य की वजह से किस नाराजगी से परेशानी से तो जूझ रहे, क्या खासा नाराजगी है उनमें? इस दौरान कोरोना महामारी चल रही है, स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार काम कर रही हैं, और इस बीमारी का खतरा बना रहता है और साथ साथ तस्वीरों में इसको देख सकते हैं, और कई बार अधिकारियों से शिकायत करने की कोशिश की है ग्रामीणों ने, और इन पर आंदोलन कर देते हैं अधिकारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारक आपका। तो वही 4 बजे की 4 बड़ी खबर में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।